गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण चौहान, दिस इज़ माय चैनल। वेलकम बैक, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी आर डिस्कसिंग टुडे वन ऑफ ग्रेट स्ट्रैटेजी। हम एक स्ट्रैटेजी डिसीजन कर लेने वाले आज, डिस्कस करने वाले। द स्ट्रैटेजी नेम इज 15 मिनट ओपनिंग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। द स्ट्रैटेजी नेम इज strategy name is 15 minute ORB opening breakout strategy. So guys, दिस इज 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी वी आर डिस्कसिंग टूडे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें देखना होगा कि मार्केट की आज डायरेक्शन क्या है। तो मार्केट डायरेक्शन हमें कहाँ से पता चलेगी? मार्केट की डायरेक्शन पता चलती है हमें जो अदर कंट्रीज की जो चार्ट है, जैसे कि लाइव चार्टिंग में आप जाके देख सकते हैं, चार्टिंग UK, वहाँ जाके आप डाउ क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, वो सब चार्टिंग आप देख सकते हैं। और वो चार्ट के हिसाब से हमारा मार्केट कैसे ओपन होता है, वो सब हम वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि लाइव हमने ये देखा, यासीन कल जो डाउ का 600 पॉइंट का मूव था, वो मूव आज भी कंटिन्यू हो रहा। और वो कल का मूव और आज का जो पॉजिटिव सेंटिमेंट था, वो मार्केट के लिए एक अच्छी खबर थी हमारे मार्केट के लिए। सो वैसा ही हुआ। एंड हमारा मार्केट भी देखिए, टुडे इज मोर गैप ओपनिंग हो गया, अच्छा खासा गैपनिंग ओपन हो गया। और उसके बाद उसने हमारा क्लोजिंग और अराउंड ये आता 1600 के पास था, और ओपनिंग हो गया 1650 के आसपास। सो टुडेज ओपनिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द क्रिएटिंग द पोजिशन। सो अपना ये ओपन 15 मिनट जो ओपनिंग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी हमें करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो चार्ट है उसको 15 मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमने 15 मिनट में चार्ट कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, दो उसका लाइन लिया, और लाइन से मैंने इधर आज का फर्स्ट 15 मिनट का हाई और फर्स्ट 15 मिनट का लो मैंने मार्क कर दिया। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होना चाहिए, जो हम जब भी 15 मिनट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, तो उस वक्त हमको पहले 53 कैंडल को वॉच करना है। और आप दो चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, पहले कैंडल को हमने 15 मिनट का एक रेंज बना लिया, मीन्स ये रेंज बन गया। तो ये 50 मिनट ओपन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हमें दोनों साइड काम आता है, जैसे बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए और पुट बाय करने के लिए और ये सेल करने के लिए। बट ये ओपनिंग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी मैक्सिमम टाइम हमें हमारा इससे बचा लेता है कि हम अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बन सकता है, ऐसी सिचुएशन बनती है। सो हमें क्या करना है, ये 50 मिनट का हमने साइड पहला डिसीजन ले लिया। तो हमारा सेकंड कैंडल का वेट करने का, सेकंड कैंडल देखने का कि ये कैंडल के अंदर ओपन हो रहा है या बाहर ओपन हो रहा है। तो ये कैंडल के थोड़ा सा साइड में ओपन हो गया था, लेकिन इसने थोड़ा हाई भी मार दिया, बट इज नॉट सस्टेन, फिर डाउन हो गया। तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है अभी थर्ड कैंडल के लिए हम वेट करने का। अभी हमने थर्ड कैंडल, जब ये थर्ड कैंडल को ये ब्रेकआउट कर रहा था, तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाता है और हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है 17,178 इज नियर अबाउट। तो ये हमारा एंट्री बन जाता है 700-200 के आसपास, क्योंकि हमारा जब रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि मार्केट आज पॉजिटिव रहने वाला है। फर्स्ट कैंडल नेगेटिव हो गया या फर्स्ट कैंडल टू पॉजिटिव हो गया, सेकंड थोड़ा सा नेगेटिव, बट हमारा सेकंड कैंडल जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मीन्स यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाता है, ये कैंडल में हम एंट्री कर लेंगे इसके हिसाब से। तो ये हमने एंट्री ले लिया यहाँ से, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। मैं स्टॉप लॉस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा स्टॉप लॉस के इधर एक, सॉरी, दिस ये लाइन जो है हमें स्टॉप लॉस के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस है, यह हमारा एंट्री पॉइंट है। ये मैं इधर से मार्क करके देता हूँ, ये जो है यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, यहाँ भी लिख देता है एंट्री पॉइंट। और
आरआर जो है, आरआर बोले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो हम फॉलो करना है आरआर मीन्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जो हमने अगर रिस्क लिया है तो हमको 1:1 रिस्क रिवॉर्ड करने का है, उससे ज़्यादा हम रिस्क रिवॉर्ड नहीं करेंगे। जो 1:1 हमें सफिशेंट है, 1:1 ले रहे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, ये देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने वो गलत बोल दिया। एंट्री 15 मिनट, सेकंड कैंडल हाई, ओके। और स्टॉप लॉस हमारा 15 मिनट, सेकंड कैंडल लो, ओके लो बनता है। 15 स्टॉप लॉस हमारा 15 कैंडल का सेकंड लो बनता है। सो हमें इस तरह से इधर एंट्री लेना होगा। सो अगर हमने इस तरह से एंट्री लिया तो हमें एक बेनिफिट होता है। यहाँ पे देखो आप कि फॉर एग्जांपल हमारा एंट्री इधर हो गया, ये हमारा एंट्री इस एरिया में हमारा एंट्री हुआ है, ये हमारा जो बन गया एंट्री पॉइंट बन गया और स्टॉप लॉस का ही हो गया। और फाइनली हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से हमारा बनता है 1:1 रिस्क रिवॉर्ड का बनता है कि 25 पॉइंट का, यहाँ पे 25 पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है। हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आज पूरा कंप्लीट होगा। इफ यू होल्डिंग विद द होल डे, ओके, इफ यू होल्डिंग होल डे यू विल गेट 50, एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 सेकंड, 1:1 तो हमारा रेशो कंप्लीट हो गया। 1:3 हमको यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर हमारा एंट्री यहाँ पे हो जाता तो आज के एंड तक हमने देखा है कितना हो गया, 77 हो गए। तो हमारा एलमोस्ट इधर से हमारा एंट्री था 177, 100 पॉइंट्स एक्चुअली, मीन्स हमारा एंट्री आया था 275, मीन्स 2550। 1:3 हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है दिस टुडे। आज का जो मूव था हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच कर दिया उसने, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मैच 1:1। रिस्क रिवॉर्ड 1:3 मैच टुडे। सो आपको क्या करना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस तरह से हम ये चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, हमारा एंट्री हमारा ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल। सम टाइम क्या हो जाता है, कभी कभी ये साइडवेज मार्केट होता है तो ये 3 कैंडल 4 कैंडल बन जाएंगे ऐसे सेम, तो हमारे सेकंड कैंडल ही एंट्री रहेगी। अभी हम अगर पिछले दिन का चेक करें, लास्ट सेकंड डे इसके पहले का 3 तारीख का चेक करते, सो 3 अक्टूबर का सुबह जो मॉर्निंग कैंडल था वो देखेंगे 9:30 दिस कैंडल। दिस इज स्ट्रैटेजी हियर आल्सो वर्क। इफ यू सी दिस यू शुड बी, आप भी इसको भी ऐसे कर सकते कि ये 15 मिनट का इसको कर दिया और सेकंड कैंडल, ये जो सेकंड कैंडल का हम यहाँ से नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं एक, नहीं तो हम यहाँ सेकंड ये कैंडल पे भी ये कैंडल अभी क्या हो गया, इन साइड कैंडल नहीं आ गया, ये जैसे इन साइड आ गया था, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये 15 मिनट के अंदर ये इन साइड कैंडल आना चाहिए, अभी इसमें आया नहीं था। बट हमारा एक ऑप्शन है कि हम इसको यहाँ पे सेल कर सकते, लेकिन वेट करेंगे, अभी ये कैंडल इनसाइड तो हो गया थोड़ा सा, आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के सेल कर सकते हैं, तो भी आपका एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी मैच होता है। आप देखेंगे ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल का जो सेकंड है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ, ये हमने यहाँ पे जूम किया और हमारा एंट्री यहाँ बनता है, ओके, हमारा एंट्री बनता है ये हमारा एंट्री
सेकंड कैंडल के हाई, सेकंड कैंडल के हाई और सेकंड कैंडल लो, लो एंट्री बनता है और स्टॉप लॉस हो, स्टॉप लॉस है सेकंड कैंडल के हाई का हमारा एंट्री बनता है और लो जो सेकंड कैंडल का लो जो है एंट्री बनता है और वही लो जो हमारा लो है स्टॉप लॉस। तो हमें उस हिसाब से स्टॉप लॉस रखने का, तो हमने इधर क्या किया कि हमारा जो कैंडल था, हमारा कैंडल कौन सा था वो इम्पोर्टेंट जो है हमारा कैंडल, ये हमारा अभी वेट मैं जूम करता हूँ, ये जो कैंडल था हमारा ये फर्स्ट कैंडल था, ये सेकंड कैंडल, दिस इज सेकंड कैंडल। सो ये फर्स्ट और सेकंड, सेकंड कैंडल का हमारा यहाँ पे एंट्री हो जाता था इन केस, तो हमारा ये तो 1:1 रिस्क है और इधर मैच नहीं हो रहा था। फिर ये वापस आया, हमारा स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करेगा लेकिन बट यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ऊपर है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट ही नहीं होता है। एंड आफ्टर दैट वी सी द मूव इज गोइंग टू ऑलमोस्ट 900 मीन्स 1700 आवर एंट्री वॉज हियर और वी कैन सी दैट हियर 1700 पॉइंट्स हमें यहाँ भी मिलता है। हमारा भी रिस्क रिवॉर्ड मैच होता है, यहाँ भी रिस्क रिवॉर्ड मैच 1:1 ऑलमोस्ट 1:1 मैच हो जाता है। तो आप ऐसे कर करके चेक कर सकते हैं, फिर अगले दिन का भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे 30 तारीख का है, 30 तारीख को ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये ट्रेंडिंग मार्केट, हमें अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज फर्स्ट केस के हमारा ओपन हाई उसका मार्क कर लीजिए, हमने ये ओपन हाई मार्क कर दिया, ओके। ये मैंने थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ठीक है, हमने यहाँ पे ओपन और हाई मार्क कर दिया आज के लिए, इनसाइड कैंडल लगाया, हमारा एंट्री यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यही हमारा स्टॉप लॉस, अब ये स्टॉप लॉस ये रहेगा तो ऑलमोस्ट ये देखो स्टॉप लॉस को हिट कर दिया लेकिन एंट्री हमारा एक्चुअली यहाँ पे भी अपन हम वापस एंट्री ले सकते, ठीक है, हमारा एंट्री यहाँ पे बन गया था लेकिन क्या हो गया कि एक फास्ट मूव आ गया सेलिंग का, उसने थोड़ा ट्राई किया सेल करने का लेकिन उसी 15 मिनट के कैंडल का लो और ये कैंडल का लो देखो ऑलमोस्ट एकदम नियर बाय नो, इतना ज़्यादा नहीं, वैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा लेकिन हम यहाँ से फिर वापस एंट्री कर सकते और यस अगर हिट हो गया तो हम वापस एंट्री कर सकते। लेकिन यहाँ देखो हमारा कितना बड़ा, मीन्स यू शुड वॉच हाउ मेनी पॉइंट वी गेट, वी वॉन्ट टू क्लियर दिस बिफोर इट सी हाउ मच यू शुड बी सी द एंट्री वॉज 16,800 एंड द मूव वॉज 17,171 मीन्स ऑलमोस्ट 400-300 पॉइंट्स वी गेट हियर। सो ये 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को आप बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और ये मोस्ट टाइम वर्क होता है एंड योर स्टॉप लॉस ऑल्सो गुड फॉर दैट, स्टॉप लॉस भी अच्छा मिल जाता है और रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाता है। सो आप भी इस तरह से ये कर सकते और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये निफ्टी 50 बैंक निफ्टी स्टॉक के लिए सबके लिए वर्क होता है बट यू शुड बी नो विच डे यू शुड बी टेकन दैट, बिकॉज क्या होता है टाइम डीके हो जाता है तो आपका ऑप्शन डीके भी होता है, सो यू नीड टू बी टेक केयर अबाउट दैट। थैंक यू फॉर गाइज, इफ़ यू लाइक दिस ओपनिंग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी तो यू शुड बी यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टू शेयर माई चैनल मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, we are going to give them maximum number of strategy in coming day. So this is the 15 minute breakout strategy and I can conclude right now. It's current view, today's view, we see this 15 minute strategy के लिए आपको तीन चीज़ें करना पड़ेगा। First of all, क्या करना पड़ेगा right here, ठीक है, first I want to clear this graph right, first of all, wait a minute. ओके इट्स टाइम वेस्टिंग राइट नाउ बट आई एम राइटिंग हियर, ओके सी 15 मिनट ओपनिंग ब्रेक आउट
सेट, स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वो शुड बी टेक केयर अबाउट दैट। और 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें चार्ट को 15 मिनट में सेट करना है। 15 मिनट चार्ट, फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट करेंगे फर्स्ट सेट चार्ट 15 मिनट। ओके, सेकंड वेट फॉर सेकंड कैंडल 15 सेकंड, सेकंड 15 मिनट्स कैंडल। ओके, थर्ड लेना है एंट्री अबो सेकंड कैंडल हाई और ओके एंड स्टॉप लॉस शुड बी बिलो सेकंड कैंडल लो। ओके एंड रिस्क रिवॉर्ड क्या है, द नेक्स्ट फोर्थ है रिस्क रिवॉर्ड रखेगा 1:1 मिनिमम और बाद में और ट्रेलिंग करने का स्टॉप लॉस 1:1। फिर आफ्टर दैट आप कर सकते 1:1 और 1:2 ऐसा कर सकते, ट्रेल कर सकते और मैक्सिमम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टू सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ टू शेयर द आवर चैनल मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।